तो विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और रांची के एक निजी होटल में घोषणा पत्र को मीडिया से साझा किया गया, जिसमें भाजपा सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना से महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आएंगे और 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वही 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी और 2.87 लाख रिक्त पदों को जल्द भरने का वादा किया गया है। युवा साथी भत्ता के तहत स्नातक स्नातोत्तर के छात्रों को हर माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही भाजपा सर राज्य में आकर घर सरकार योजना भी शुरू करेगी, जिसके तहत सभी के गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करने के लिए घरों के निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी भी सभी कार्यकर्ता मां शक्ति की आराधना करते, उसके साथ साथ भारत माता की आराधना में भी हम सब भी हाथ लगे हुए हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक ही मंत्र हम सब लोगों के समक्ष दोहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको हम सब बार बार देशवासियों को याद कराते हैं कि विकसित भारत बनाने का। और निश्चित रूप से आज की तारीख मैंने हमें कहा कि शक्ति की हम जहाँ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब लोग माँ से अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और राज्य के वासियों के लिए भी माँ शक्ति प्रदान करे, ऐसे हम सबकी कामना है। और आप सब जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव घोषणा पत्र कब जारी करेगी, और हम सबको पता ही है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, किसी भी दिन वो चुनाव की घोषणा हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी सभी कार्यकर्ता